डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को पंचकुला की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को 26 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बचाव पक्ष के वकील विशाल गर्ग ने बताया कि तीनों आरोपियों को पेश किया गया था। डीएसपी ने 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था और कहा था कि रोहतक में सोनीपत लेकर जाना है। हमने कोर्ट को बताया कि विजिलेंस पहले 5 दिन के रिमांड के दौरान कहीं पर भी नहीं लेकर गई। विजिलेंस केवल झूठा कबूलनामा लिखवाना चाहती है। बचाव पक्ष के वकील के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने विजिलेंस की 3 दिन के रिमांड की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। तीनों आरोपियों को 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि जज ने सख्ती दिखाई कि आगे से ध्यान दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी